मेरठ थाना नौचंदी क्षेत्र के आरटीओ का पुल सेक्टर 13 में आज सेफी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय पर आज कोरोना वायरस की जंग लड़ते पत्रकारों को सम्मानित किया। सेफी संघर्ष समिति के सभी अधिकारियों कार्यकर्ता ने कहा कि इस कोरोना वायरस की जंग में सभी का सहयोग रहा, इसमें हमारे प्रशासन अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम और पत्रकार बंधु ने बखूबी से इस जंग को लड़ा है और इसी को देखते हुए आज हमने सभी पत्रकार बंधुओं को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया। इस मौके पर मौजूद रहे सेफी संघर्ष समिति के संस्थापक कयूम अहमद, सेफी अध्यक्ष रईसुद्दीन सेफी और राष्ट्रीय महासचिव हाजी जब्बार सेफी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुबेर सेफी। तो जो मीडिया के लोग हैं उन लोगों को एपिसेट किया है, मेमेंटो दिया है, क्योंकि मीडिया ने कोरोना वायरस में जो लड़ाई लड़ी है और जो इन लोगों ने रोल अदा किया है, मैं समझता हूँ कि मीडिया का सबसे अहम रोल रहा है इस मामले में। एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया और हेल्प तीनों ने मिलके और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से हमारी एनजीओ काम करती है, सैफी संघर्ष समिति, हमारे सैफी संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता हैं, और ये समझिए कि आप हमारे इस टाइम 24 स्टेटों में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे हमारे वॉलंटियर ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और इस लड़ाई में हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से सबके साथ रहे। और आज इस प्रोग्राम में कौन कौन शामिल रहा आपके साथ? आज हमारे जो सैफी संघर्ष समिति के संस्थापक हैं जनाब कयूम सैफी साहब, और इकराम बालियान जी जो इसका जो हमारे चीफ गेस्ट थे आज के इस प्रोग्राम के, और बाकी हमारी पूरी कोर कमेटी और हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और बाकी पूरी कोर कमेटी हमारे बीच साथ रही है, और मीडिया के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको कवरेज किया है, और हम आभारी हैं मीडिया के कि उन्होंने फर्दन हमारा सहयोग किया। और कोरोना वायरस में हमारे एरियों में हर तरह से सपोर्ट किया हमने। सैफी संघर्ष समिति को 3 साल हो गए, इस 3 सालों के अंदर सैफी संघर्ष समिति ने कहाँ तक हासिल मुकाम किया? देखिए, जहाँ तक हासिल मुकाम का मामला है, सैफी संघर्ष समिति काम पर यकीन रखती है, और आज की पोजीशन में 3 साल के पीरियड में 24 स्टेटों में हम लोगों ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छे पैमाने पे काम कर रही है, और आगे भी हमारे प्रोग्राम जो है एजुकेशन और हेल्थ पे हमारा पूरा फोकस है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपको बहुत अच्छी एक न्यूज़ देने वाले हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस